अपने क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट वन कॉमा टू कॉमा थ्री एंड, यानी कि लाइन इसमें से पास कर रही हो, इसका मतलब है आपको एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स वन का पता है, वाई माइनस वाई वन, वाई वन का पता है, जी माइनस जी वन, आपको जिसमें से लाइन पास कर रही है तीन चीज़ें, तो आपको सिर्फ लाइन की डायरेक्शन रेशियोज का नहीं पता। तो उसने दूसरी कंडीशन दी है एंड पैरेलल टू लाइन एक्स माइनस वाई प्लस टू जी माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जी प्लस सिक्स। तो ये भी एक प्लेन की इक्वेशन है ये वाली, और ये भी एक प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है। तो दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से आपके पास एक लाइन बनेगी, तो मेरी लाइन उस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो नंबर वन, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगी, पहले तो उस लाइन का पता होना चाहिए कि वो लाइन होगी क्या, और नंबर टू, उस जब वो लाइन फाइंड हो जाएगी तो उस लाइन के डायरेक्शन रेशोस जब मेरे पास निकल आएंगे तो वही मेरी लाइन के डायरेक्शन रेशोस भी होंगे, क्योंकि मेरी लाइन इनसे बनने वाली लाइन के पैरेलल है। तो चलें इसका सलूशन देखते हैं। सलूशन, तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स माइनस वाई प्लस टू जी माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जी प्लस सिक्स, ठीक है। लेट करते हैं, लेट एल एम एन आर डायरेक्शन को साइंस ऑफ दिस लाइन, हम लेट करते हैं कि इससे जो लाइन बनेगी एल एम एन उसके डायरेक्शन को साइंस है। तो चूंकि जो इससे लाइन बननी है इन दोनों से, वो इन दोनों दोनों प्लेन उससे कंटेन करेंगे, ठीक है, एज इट लाइज ऑन बोथ प्लेन्स, चूंकि वो दोनों प्लेन के अंदर लाई करेगी, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो बन रही है, इसलिए वो इन दोनों प्लेन्स पे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, इनकी नॉर्मल लाइन पे। जब दोनों प्लेन पे लाई करेगी तो दोनों प्लेन पे जो नॉर्मल लाइन है, मेरी लाइन
उस लाइन के परपेंडिकुलर। मैंने आपको पहले भी बताया था ये बात आपने लाजमी तौर पर याद रखनी है कि जब आपकी लाइन प्लेन्स में लाई करती है, एक लाइन इस प्लेन में भी लाई कर रही है इसमें भी, तो वो इनके पैरेलल होती है, तो इसके जो नॉर्मल इसके जो डायरेक्शन को साइंस हैं इसकी जो नॉर्मल लाइन के उनके परपेंडिकुलर। सो इसका नॉर्मल लाइन का वन डायरेक्शन को साइन, इसका एल। सो इक्वेशंस जो बनेंगी, एल माइनस इसका वन है एम प्लस टू एन इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरी क्वेश्चन बनेगी थ्री एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दो क्वेश्चंस बन गए। इन दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके एल एम एन निकालते हैं, ठीक है। एल एम एन जब आपके पास निकल आएंगे तो वो डायरेक्शन को साइंस किसके हैं, आपकी लाइन के, ठीक है, इनसे जो लाइन बन रही है। तो वो जब आपके पास एल एम एन निकल आएंगे तो वही हमें एल एम एन जो है बेसिकली चाहिए। इन दोनों को सॉल्व करके जो एल एम एन की वैल्यूज़ निकलती हैं वो मैं डायरेक्ट इधर लिख रहा हूँ। एल की वैल्यू निकलती है माइनस थ्री और एम की वैल्यू निकलती है फाइव और एन की वैल्यू निकलती है फोर। सो आवर रिक्वायर्ड लाइन, जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन है वो क्या बन जाएगी, पास किस में से कर रही थी उसने खुद बताया था, वन टू थ्री में से, और डायरेक्शन रेशियोज हमने निकाल ली है माइनस थ्री वाई माइनस टू ओवर फाइव जी माइनस फोर ओवर थ्री। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, ये मेरे पास लाइन की इक्वेशन निकल आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अच्छा